हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड मेरी 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 क्रिसमस टू ऑल। एंड ये जो ब्लॉग है मैंने बनाया है, ये हम लोग क्रिसमस वाले दिन हम लोग मॉल में, यहाँ पैसिफिक मॉल जो है देहरादून का, हम वहाँ घूमने गए थे। तो वहाँ का मैंने ब्लॉग बनाया है। और वहाँ इतनी रश थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ। और जो एक्सीलेटर था, एक्सीलेटर पर तो जगह भी नहीं हो रही थी ऊपर आने जाने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं रेलवे स्टेशन या फिर ऐसी जगह कहीं हम आ गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता ना, उस टाइप से। तो क्रिसमस पे इस बार पैसिफिक मॉल में बहुत ही ज़्यादा रश थी। और ऑफ कोर्स पिछले 1-2 सालों से ऐसे ही माहौल है, तो इस बार थोड़ा खुला हुआ है। और उन लोगों ने डेकोरेट भी अच्छे से किया था, बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। और वहाँ पर हर स्टॉल में इतनी भीड़ हो रही थी, खाने के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, कि हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था वहाँ। तो अगर जैसे कुछ खाने के लिए भी हम ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ, तो हमारा नंबर ही वहाँ, टोकन ही हमारा 2-3 घंटे बाद मिल रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ, प्लस वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं था, तो चेयर्स वगैरह नहीं हो पा रहे थे वहाँ पर। एक जा रहा था, दूसरा बैठ रहा था वहाँ पर, और काफ़ी लोग तो खड़े खड़े ही खा रहे थे। और ज़्यादातर लोग तो वहाँ घूमने के लिए आए थे। बहुत अच्छा अंदर से डेकोरेट किया था। ये मॉल बहुत बड़े एरिया में है भी बहुत बड़ा ये, और इस बार डेकोरेट भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया हुआ था। और स्टैचू भी बहुत बड़ा बनाया था, क्रिसमस उनका जीसस का जो स्टैचू होता है, जीसस का स्टैचू बनाया था उन लोगों ने। और इतना हाइट थी उसकी, उनकी दो या उनके ना जो सेकंड फ्लोर तक था, वो सेकंड फ्लोर तक उनका वो स्टैचू इतनी बड़ी थी। तो आई होप आपको भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं और भी अच्छे अच्छे से ब्लॉग लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। मुझे जो मेरे से अच्छा लगता है, मुझे कुछ डिफरेंट सा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, तो मैं तुरंत मोबाइल निकालती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ और वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, उसको एडिट भी करना होता है, वॉइस ओवर भी करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, टाइम बहुत लगता है। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग लाइक करते हो तो लाइक से भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को अच्छी लग रही है हमारी ब्लॉग, तो हमें और कुछ बनाने का और कुछ अच्छा करते हैं, हम उसमें कुछ और ऐड करने की कोशिश करते हैं। हर यूट्यूबर के लिए ये होता है। तो जब कोई आप कमेंट करते हो तो कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है कि आप क्या कमेंट, कि आपको किस तरीके का वीडियो पसंद है, आप मैंने इसमें क्या गलती कर दी, मुझे क्या चीज़ सही करना चाहिए था। तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करना।
तो मैंने इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है, रश आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा है यहाँ पर, तो मैंने फिर भी कोशिश करी है कि बच्चों के साथ हाथ में कैमरा लेकर और वीडियो बनाना, शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इतनी भीड़ में डर भी लग रहा था बच्चे इधर उधर ना चले जाए, क्योंकि वो धक्के से एक दूसरे के धक्के से वो इधर उधर मतलब होते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं तो डर लगता ही है फिर। तो मैंने बहुत मुश्किल से मैंने पूरी कोशिश करी कि जितना पूरा जो वीडियो है यहाँ का, इसके अंदर का मॉल का, अंदर का भी और बाहर से भी जो मॉल है इसका मैंने वीडियो बनाया है। तो एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।